करना पड़ेगा टू गिव मी द आंसर. ठीक है, तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे केस लेके आता हूँ. सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड लेट्स जंप ऑन टू द केस. हाँ जी कृतिका, गुड इवनिंग. सो देखते हैं पहली कंडीशन यहाँ पे आपकी क्या है. नॉट दिस हमारी कंडीशन पहली यहाँ पे आएगी ये वाली. ठीक है, ये है आपका केस और ये है आपके फाइल के अंदर दिखे हुए सिम्टम्स. तो आप अपना हैंड रेस करिए और बताइए कि ये बीमारी कौन सी है. फटाफट हैंड रेस करके इसका देखिए इसके अंदर आपकी कौन सी बीमारी यहाँ पे आ जाएगी. चलिए जल्दी से बताइए वरुण, क्या होगा इसका आंसर. एमपीसी मैम. ओके ऑलराइट, दैट इज द इनकरेक्ट आंसर. ठीक है, आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड ये वाली केस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. ये वाला केस हमें पढ़ना बात किया तो कोई बात नहीं, ये वाला बता दो. ठीक है, ये वाला केस हम बाद में कर लेंगे, ये आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, छोड़ो. नाउ दिस वन, यू हैव दिस कंडीशन केस नंबर टू. तो केस वन हमारा आया और चला गया, तुरंत आया हॉस्पिटल में आया और वो चला गया वहां से. केस नंबर टू का आंसर बताइए यहाँ पे. सो अभिषेक बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज. दिस इज माय ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ठीक है, तो अभिषेक मुझे इसके दो एग्जांपल बताइए, कौन सी दो डिजीज होती है जो होती है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. सर सिलिकोसिस और एस्बेस्टोस. ठीक है, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस. ठीक है, राइट. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन इन द लंग्स एंड सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे. 10 से 15 साल के एक्सपोजर के बाद आपको यहाँ पे सिम्टम्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. यस, ये कंडीशन आपको होते हुए मिलती है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस के अंदर. अब मुझे आप लोग बताइए हैंड रेस करके कि ये जनरली आपको किस टाइप के काम के दौरान आपको ये कंडीशन आपको होते हुए मिल सकती है. बताइए अंजू, किस टाइप के काम के दौरान आपको ये कंडीशन होते हुए मिल सकती है. ऑलराइट कनिका, तब तक आप बताइए किस टाइप के काम के दौरान आपको ये हो सकता है. सर माइनिंग इंडस्ट्रीज. माइनिंग इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है तो उसके अंदर ये सब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द माइनिंग आपके जो हवा के अंदर आपका सिलिका और एस्बेस्टोस आपका अमाउंट में बढ़ जाएगा एंड दैट कैन गो इनटू द लंग्स एंड दैट कैन कॉज यू द ओआरडी. राइट, अब मुझे आप ये बताइए कि अगर ये हो रहा है, एक बार डैमेज हो गया, एक बार मेरा फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, तो आप लोग मुझे बताइए क्या उसे मैं ठीक कर सकता हूँ. कैन आई रिवर्स द थिंग बैक. नो सर. नो सर, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम. इसको रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग कैन नॉट बी डन. तो अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर आप एक वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसी कंडीशन से. मास्क देना, राइट, एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट द हार्म ऑफ द कंडीशन एंड आप यहाँ पे उन लोगों को इवन रेगुलर हेल्थ चेकअप आप कराते हो यहाँ पे. सो ये सब चीजों का आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पे एंड देन यू कैन प्रोटेक्ट देम. सो ये है आपके यहाँ पे सिम्टम्स एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ माय रेस्पिरेटरी लाइक दिस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोस. याद रखना इट इज समथिंग जो होता है क्रॉनिक एक्सपोजर के बाद. क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के एक्सपोजर के बाद आपको यहाँ पे सिम्टम्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे. तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. देन ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम, टेक योर 20 सेकंड्स. ये केस नंबर 3 आपके सामने, नया पेशेंट है. सो डॉक्टर साहब देखिए ध्यान से एंड देन यू हैव टू आंसर दिस. बताइए हिम्मत सिंह, क्या होगा इसका आंसर. सर अस्थमा. हिम्मत सिंह यहाँ पे अस्थमा करें, लेकिन मैं एक डॉक्टर का फीडबैक लेना चाहूंगा. अनुराध आपको क्या लग रहा है. सर, अस्थमा लग रहा है. अनुराधा मुझे ये बताइए अस्थमा में होता क्या है, पेशेंट को क्या होगा. आपने हाँ बोलो. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ मसल इन. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, किसी का कॉन्ट्रैक्शन. डॉक्टर साहब बताइए किसी का कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एक्सेस ऑफ म्यूकस सिक्रीशन यहाँ पे आपका
बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको यहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन भी आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाता है। ये दो चीजें आपके यहाँ पे होती है काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर, एंड जब ये दो चीजें आपके यहाँ पे हो रही है तो आपका एयर पैसेज आपके यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। सो एयर पैसेज गेट्स ब्लॉक ओवर देयर। तो जब आपको इसको ट्रीटमेंट देना होगा तो अपूर्व आप बताइए कि क्या ट्रीटमेंट मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे पेशेंट को। बोलिए अपूर्व, ट्रीटमेंट बताइए बेटा, वापस बोलना अपूर्व, क्या आंसर था आपका? सब ब्रोंको डायलेटर इनहेलर्स देना। हाँ, और इसका फायदा क्या होता है, क्या करते हैं ब्रोंको डायलेटर्स? इससे ब्रोंकोमीटर राइट ट्राइक है या ब्रोंकाई का आपका लाइक वहां पे पैसेज आपका थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा ताकि आपका एयर फ्लो वहां पे आपका चालू हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी हैविंग ओवर देयर। यहां पे आपके एलर्जन जो इन्वॉल्व होते हैं उन एलर्जेंस का नाम क्या होता है, कौन से एलर्जेंस इन्वॉल्व होते हैं? अरे नहीं बाबा, एलर्जेंस जो आपके यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स आपके एलर्जन होते हैं जिनके वजह से आपके यहाँ पे आपका अस्थमा का अटैक आपको आ सकता है। ठीक है, सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड यहाँ पे आपका हिस्टामाइन जो सिक्रीट किया जाता है इनके वजह से, ये हिस्टामाइन की वजह से आपके यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन आपके यहाँ पे होगा। ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन होना इज वेरी कॉमन थिंग। अस्थमा के अंदर इन्फ्लेमेशन आपका जो हो रहा होता है ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, सो ये था आपका केस नंबर 3 जहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अस्थमा का अटैक पर्सन को आया हुआ है, एंड यू कैन सी दिस थिंग राइट। देन केस नंबर 4, आपको एक आदमी मिला है यहाँ पे माउंटेन के टॉप पे और ये सारे सिम्टम्स वहां पे उसको अंदर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो बताइए कि इसके अंदर क्या बीमारी इस पर्सन को यहाँ पे हो गई है यहाँ पे। सो रीड द सिम्टम्स एंड देन टेल मी व्हाट इज द इशू ही इज फेसिंग विद। बताइए अक्षरा, क्या होगा इसका कंडीशन, क्या होगी ये कंडीशन यहाँ पे? सर एल्टीट्यूड सिकनेस। आप कह रहे हो यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी एल्टीट्यूड सिकनेस। सो अक्षरा आप क्या ट्रीटमेंट दोगे इस पेशेंट को? सर एक्लिमेटाइजेशन और लोअर एलिवेशन पे वो चला जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, यू विल आस्क हिम टू डिसेंड। आप डिसेंड करने के लिए उसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ना कि देखिए ऊपर मत जाइएगा, यू गो टू द लोअर एलिवेशन राइट, ये आप बोल सकते हो। एनीवन एल्स विद एनी अदर ट्रीटमेंट? वरुण आप सजेस्ट कर दो, आप भी बता दो क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो आप। सर उनको बोलेंगे भी जहां पर तुम हो वहीं पर रहना है सर, आगे नहीं जाने हैं। ये अच्छा आंसर था। यस, आप उन्हें अलाउ नहीं करते आगे जाने के लिए, आप जहां पे वहां पे आप रुक जाओ, डोंट गो फॉरवर्ड, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, आपके लिए फेटल हो सकता है। तो हाँ, लाइक नॉट ओरिंग टू मूव फॉरवर्ड, सो नो असेंड। आप और ऊपर जाने के लिए आप उन्हें परमिशन या प्रमोट आप नहीं कर रहे राइट। एनीथिंग एल्स अक्षर, आप और कुछ बता सकते हो इसके अंदर और क्या क्या करा जा सकता है इस पेशेंट के साथ? सर जब हम एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तब अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना, मतलब वो अपने कपड़े भी लेके जाए, मैगी भी लेके जाए अपने साथ, सारा सब सामान लेके जाए उसके ऊपर। ओके, ऑक्सीजन है फिर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, ये क्या क्या कैरी करेंगे। सो यस, बेसिकली कराया जाता है बेटा कि अगर किसी को ये इशू आता है तो वहां पे नॉर्मली कैंप्स होते हैं और कैंप्स के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के रखा होता है डॉक्टर्स ने, तो तुरंत वो उन्हें देते हैं वहां पे ऑक्सीजन। अरे सुन लिया करो पहले जब मैं कह रहा हूँ तब, तो डॉक्टर्स लोग उन्हें वहां पे ऑक्सीजन देते हैं वहां पे, एंड देन दे रिवाइव बैक, उनके सारे सिम्टम्स वहां पे जाने लगते हैं एंड देन दे बिकम नॉर्मल। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। बताओ अरुण क्या कह रहे थे, बोलो। सर मेडिसिन के साथ भी मेडिसिन लेके चलो तुम। तो मेडिसिन किस चीज की मेडिसिन? सर जो प्रॉब्लम होगी सर उनको, उसकी मेडिसिन नहीं होती बेटा, उसके बस सिम्टम्स इस तरीके से कम होते कि आपको ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो सिम्टम्स कम हो गए। ऐसा नहीं कि दवाई खा ली और तुम और ऊपर चढ़ेगा, ऐसा नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, हाँ एक आंसर सही था आपका। और these are the symptoms you'll get to see: dizziness, nausea, disorientation and breathlessness, and these are the symptoms of my altitude sickness. याद रखना ये आपका होइस ले रहा है because you have a lack of oxygen in the atmosphere. You have a very thin amount of oxygen in the atmosphere, और उसकी वजह से आपको यहाँ पे altitude sickness आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, right? यहाँ पे आपने सारे केसेस यहाँ पे देख लिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द कंडीशंस, लेट्स गेट बैक टू डिसऑर्डर्स जो अभी हमें यहाँ पे कवर करना है। सो अभी हमारा चालू करेगी कहानी ऑफ योर निमोनिया। सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट समथिंग इन टर्म्स ऑफ निमोनिया।
तो जब आप निमोनिया की बात करते हो, व्हेनेवर यू डिस्कस समथिंग अबाउट निमोनिया, तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि निमोनिया कॉज करने के लिए जो सबसे कॉमनली इन्वॉल्व आपका बैक्टीरिया होगा, द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व बैक्टीरिया इज माई हीमोफिलस. इट्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ये आपका एक बैटरी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. दूसरा बैटरी आपका यहाँ पे जो होगा, दैट्स गोइंग टू बी स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. ये दो बैक्टीरिया जो आपके होते हैं, ये जनरली आपका कॉज करते हैं आपका निमोनिया. दीज आर द टू बैक्टीरिया विच आर नोन टू कॉज द निमोनिया. अब एक बात आप यहाँ पे याद रखिए कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि निमोनिया जनरली आपका बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से आपका कॉज किया जा सकता है, और ये दो बैक्टीरिया उसके लिए काफी ज्यादा वेल नोन है. बट इनके अलावा कई बार हो सकता है कि आपका कोई फंगाई हो, या कई बार आपका कोई वायरस भी आपका निमोनिया कॉज कर सकता है. समटाइम इवन द फंगाई और सम काइंड ऑफ वायरसेस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन कॉजिंग द निमोनिया. याद रखना कि अगर किसी को निमोनिया होता है, अगर आपको मैंने आई थिंक कल भी ये बात बताई होगी कि कोविड के अंदर काफी लोगों को निमोनिया हो रहा था. मेनी ऑफ द कोरोना पेशेंट वर गेटिंग द निमोनिया एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द वायरसेस. तो कई बार वायरस और फंगाई भी आपका निमोनिया कॉज कर सकते हैं, बट मेनली जाना जाता है निमोनिया होते हुए लोगों को बिकॉज ऑफ द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. तो ये बेसिकली आपके दो बैक्टीरिया जिनकी वजह से आपका निमोनिया कॉज होता है. अब निमोनिया में होगा क्या, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन निमोनिया? तो आपको मेन चीज याद रखनी है कि यहाँ पे आपके जो लंग्स होते हैं, यहाँ पे आपके जो लंग्स होंगे, बेसिकली आपका जो एल्वियोलाई यहाँ पे होगा. सो एल्वियोलाई के अंदर देर विल बी एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड. देर विल बी एक्युमुलेशन ऑफ योर फ्लूइड. सो एल्वियोलाई के अंदर यू विल हैव एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड डेड डब्ल्यूबीसी. तो याद रखना आपके एल्वियोलाई के अंदर दो चीज इकट्ठा हो जाती है, फ्लूइड एंड डेड डब्ल्यूबीसी. ये दो चीजें आपको एल्वियोलाई के अंदर इकट्ठा होते हुए आपको मिलेगी, फ्लूइड एंड डेड डब्ल्यूबीसी. अगर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा होता है, जनरली दैट इज अ केस इन द निमोनिया, तो आप समझिए अगर आप यहाँ पे फ्लूइड आ गया, अगर आप यहाँ पे डेड डब्ल्यूबीसी, अगर आप यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, देन श्योरली मेरा यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज मेरा यहाँ पे अफेक्ट होगा. मेरे जो O2 है यहाँ पे, वो मेरे यहाँ से इजिली बायपास करके यहाँ पे आपके लंग्स तक, आई वुड से रादर कैपिलरी तक आपके यहाँ पे जा नहीं पाएंगे. तो ये बात आप यहाँ पे समझिए कि अगर आपका फ्लूइड और डेड डब्ल्यूसी यहाँ पे अगर आपका एक्यूमुलेट हो रहा है एल्वियोलाई के अंदर, देन ये आपका गैशियस एक्सचेंज को इंटरफेयर करेगा. दैट इज गोइंग टू इंटरफेयर विद द गैशियस एक्सचेंज. सो दैट इज गोइंग टू बी द एक्यूमुलेशन. सो आई हैव एक्यूमुलेशन ऑफ योर फ्लूइड एंड द डेड डब्ल्यूबीसी. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? तो ये चीज आपको होती है, ये एक आपका सबसे मेन कैरेक्टर है आपकी निमोनिया का. क्या एल्वियोलाई के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, या उससे फ्लूइड और आपका डब्ल्यूसी, आपका डेड डब्ल्यूसी आपका यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो आपको यहाँ पे फिर इंटरफेरेंस आपको यहाँ पे क्रिएट करेगा. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये चीज आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाती है. निमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं, जनरली अगर किसी को निमोनिया हुआ तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं. अगर वो स्नीज कर रहा है, कॉफ कर रहा है, तो उसके वजह से वाया एयर दे कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो इस तरीके से आप ये स्प्रेड किया जा सकता है. हाँ, इवन दो ये लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, बट जनरली ट्रीटमेंट लेने के बाद आप काफी जल्दी रिकवर कर जाते हो. तो क्योंकि यहाँ पे अगर आपका निमोनिया बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है, अगर आपका निमोनिया बैक्टीरिया से अगर आपके यहाँ पे कॉज हो रहा है, तो याद रखना इसको आप ट्रीट कर सकते हो बाय यूजिंग द एंटीबायोटिक्स. यू कैन ट्रीट देम यूजिंग द एंटीबायोटिक्स. तो आप अपने यहाँ पे एंटीबायोटिक्स आप यहाँ पे अपना यूज कर सकते हो. सो जनरली यहाँ पे आप एंटीबायोटिक्स आप यूज कर लो, उसके थ्रू आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली आपको यहाँ पे हो जाएगा. सो ये बात आपको यहाँ पे यू शुड नो दैट. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जनरली निमोनिया आपको होते हुए मिलता है उन लोगों के अंदर जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है. जनरली आपको निमोनिया उन लोगों के अंदर होते हुए आपको मिलता है जिनके अंदर इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एकदम यंग बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, उसके अंदर निमोनिया होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, राइट? और एल्स कोई बहुत ओल्ड हो, some very elderly individual might have a more likely chance of having the pneumonia. तो याद रखना generally जहाँ पे immune system थोड़ा सा weak रहेगा, थोड़ा सा naive रहेगा, वहाँ पे pneumonia होने के chances आपके थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं. So एक बात आप समझ सकते हो कि pneumonia generally उन लोग को ज़्यादा होने के chances हैं
जिनका होता है इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, ये टर्म याद रखना. वेन यू हैव अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू हैव अ निमोनिया. जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है उनके अंदर निमोनिया होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो ये बात क्लियरली आप याद रखना. और उसके अलावा यूजुअली यंग बच्चों को और ओल्डर पीपल को जिनका इम्यून सिस्टम वैसे भी थोड़ा वीक होता है उनके अंदर भी निमोनिया होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इतनी बात आपको यहाँ पे कैटेगरिकली आपको आपको मालूम होनी चाहिए. तो याद रखना निमोनिया मतलब एलोलाई के अंदर पानी फ्लूइड और डेड डब्ल्यूसी का इकट्ठा होना. इट इज कॉज बाय जनरली बाय दिस टू बैक्टीरिया. अगर बैक्टीरिया से निमोनिया हो रहा है देन आप उसे ट्रीट करोगे वाया यूजिंग द एंटीबायोटिक्स. ठीक है, और उसके अलावा याद रखना इट इज सीन वेरी कॉमनली हैपनिंग टू पीपल हु हैव अ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम. जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा उसके अंदर ये होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. मेनली कॉज बाय दिस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फेंट्स एल्डरली एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स आर मोर ससेप्टेबल टू द कंडीशन. इनके अंदर होने के चांसेस थोड़े यहाँ पे ज्यादा रहते हैं. Alloli is filled with your dead WBC and your fluid, limiting the gaseous exchange. आपके यहाँ पे gaseous exchange आपके यहाँ पे हो नहीं पाएगा. And generally आप यहाँ पे antibiotics आप यहाँ पे use करते हो for the treatment के लिए. So अगर आप antibiotics का treatment आप चालू करा रहे हो because ये करा जाता है for killing the bacteria, then within a matter of few days you will find कि आपको relief मिलता है and you can have a normal sense of breathing आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी. तो ये चीज आपको याद रखनी है. These are the few traits you have to know about the pneumonia. इस तरह से like इसको हम यहाँ पे treat करते हैं. That should be clear to all of you. आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा बचपन में पढ़ा होगा, 10th में शायद आपने पढ़ा होगा, that is your HIV. मालूम होगा, obviously मालूम होगा, सारे नीट के बच्चों को मालूम होता है HIV. HIV का full form क्या था किसको मालूम है क्या? Human immunodeficiency. बोलो पूरा, बोलो आप, बोलो बेटा आप बोलो, clearly बोलना लेकिन. हाँ बोलो. Human immunodeficiency virus, right? मैंने आपके एंड से बोल दिया. Okay. So ये जो आपका वायरस होता है याद रखना, ये वायरस जब आपके बॉडी के अंदर आता है तो आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है. दिस वायरस इज गोइंग टू टारगेट योर इम्यून सिस्टम. ये बात याद रखना, आपका एच आई वायरस आपके बॉडी के अंदर आएगा और आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करेगा. तो अगर किसी को एच आई वी होता है तो सबसे कॉमन चीज जो आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए, दैट गोइंग टू बी द पर्सन विल हैव अ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम. जिसको एचआईवी होता है उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है. दे विल हैव अ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम. सो बेसिकली जब किसी को एचआईवी होता है तो एचआईवी के वायरस से उनकी डेथ नहीं होती. डेथ इसलिए होती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो किसी बीमारी से अपने आप को बचा नहीं पाता और वो दूसरी जो बीमारी होने लगती है उसकी वजह से उसकी डेथ होती है. ओके, तो याद रखना एचआईवी जब किसी को होता है देन दे विल हैव अ वेरी वीक इम्यून सिस्टम. कॉम्प्रोमाइज मतलब वीक इम्यून सिस्टम आपके यहाँ पे होता है और ऐसे टाइम के अंदर निमोनिया होना बड़ा कॉमन होता है. निमोनिया समथिंग व्हिच कैन हैपन वेरी कॉमनली ओवर देयर. इवन ट्यूबरक्लोसिस भी बड़ा कॉमनली उस पर्सन के अंदर आपको वहाँ पे हो जाता है. सो दैट इज वॉट यू हैव टू नो. सो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिया कि कौन सी बीमारी के अंदर यू कैन हैव वेरी वीक इम्यून सिस्टम. एचआईवी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ठीक है, क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है, क्या बेटा पहले ये बताओ वाला पार्ट समझ आया? यस सर. हाँ अब बताओ क्या आप कह रहे हो सर. होता कैसे है सर ये? क्या सर बीमारी सर ये? कौन सी वाली? एचआईवी या निमोनिया? एचआईवी. एचआईवी कैन हैपन बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल रीजंस. यू कैन हैव मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है. इट कैन हैपन बिकॉज़ ऑफ द यूज ऑफ अ सेम सिरिंज से हो सकता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप करा रहे हो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर तो हो सकता है. मदर टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. इफ अ गर्ल इज प्रेगनेंट विद अ चाइल्ड एंड शी इज सफरिंग विद एचआईवी देन बेबी को हो जाता है उसके बाद. सो यू हैव फोर फाइव रीजंस. बेसिकली चार रीजंस आपके यहाँ पे काफी कॉमनली मिलते हैं. उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन इंडिया में है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन. कई बार इन्फेक्टेड एचआईवी का जो ब्लड होता है अगर आप ट्रांसफ्यूज कर लेते हो सो दैट कैन लीड टू एचआईवी. यूज ऑफ सेम सिरिंज, अगर एक ही सिरिंज को मल्टीपल लोग यूज करें दैट कैन लीड टू एचआईवी. उसके थ्रू ये वायरस स्प्रेड कर सकता है. एंड द मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सो दैट कैन कॉज यू द एचआईवी व्हिच विल लीड टू कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम. ठीक है, थैंक यू सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यू हैव समथिंग लाइक माई ट्यूबरक्लोसिस. सो चलिए बात करते अबाउट माई ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस को अब हम यहाँ पे शॉर्ट में कहते हैं टीबी. ट्यूबरक्लोसिस को हम इवन यहाँ पे शॉर्ट में कहते हैं
अब जब भी टीबी आपके सामने आएगा तो याद रखें अगेन इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपका यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपका जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा दैट इज मायो बैक्टीरियम। So that's the name of the bacteria. ये आपको बैक्टीरिया जिसकी वजह से आपका ट्यूबरक्लोसिस आपका कॉज किया जाता है। तो जब ये बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आता है, जब आपके लंग्स के अंदर ही आता है, तो बेसिकली आगे ये लंग्स को डैमेज करेगा। सो जब आपके लंग्स में आ रहा है तो देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन। सो आपके लंग्स के अंदर दिस विल बी अ फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन विल बी सीन। सो फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन आपको मिलेगा आपके लंग्स के अंदर होता हुआ। अगेन यहाँ पे भी आपका वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जैसे आपका वहां पे बन रहा था ओसीडी के अंदर, वही चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी। अब याद रखना है यहाँ पे आपके लंग्स आपके अफेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आपका ऐसा नहीं कि आपका नाक अफेक्ट हो रहा है, यू आर फाइंडिंग योर लंग्स हर्टिंग, दिस इज ऑल हैपनिंग इन द लंग्स, ये सब आपका यहाँ पे लंग्स के अंदर आपका हो रहा होता है। अब ट्यूबरक्लोसिस अगर देखा जाए ना, आज से काफी साल पहले अगर मैं बात करूं, इट इज अ फेटल कंडीशन, अगर इसे आप ट्रीट नहीं करते ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। और आज से काफी साल पहले, आज से अगर मैं बात करूं लगभग 30 साल पहले, तो लोगों की काफी लोगों की जान जा रही थी इसकी वजह से, राइट। अब इसमें होता क्या है कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, लेट्स ट्राई टू सी द सिम्टम्स ओवर हियर। तो सिम्टम्स आपके यहाँ पे हो सकते हैं कॉफिंग, खांसियां इज अ वेरी कॉमन सिम्टम ओवर हियर, देन यू कैन हैव अ हेडेक, हेडेक होना इज अ वेरी कॉमन थिंग, देन यू कैन हैव अ समथिंग लाइक योर फटीग, हमेशा थकावट फील करना एंड नॉट एबल टू लाइक डू द डे टू डे काम आप नहीं कर पा रहे। यू कैन हैव अ वेट लॉस, वेट लॉस एक बहुत ही कॉमन चीज आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। यू कैन हैव अ नाइट स्वेट, रात को पसीने आना सोने के बाद, नाइट स्वेट, एंड देन यू कैन हैव अ फीवर, ओवर नाइट फीवर आना, रात को फीवर आया सुबह चला गया, सो ओवर नाइट फीवर आना भी एक बड़ी ही कॉमन चीज यहाँ पे होती है। So overnight fever, right? उसके साथ साथ इवन आपको लाइक पेन आपको मिलता है, फिजिकल पेन आपको होता है, बेसिकली आपका चेस्ट पेन आपको हो सकता है यहाँ पे, यू कैन हैव अ चेस्ट पेन। किसी किसी कंडीशन के अंदर, हमेशा नहीं बट किसी कंडीशन के अंदर, जब आप खांस रहे होते हो, सो यू कैन हैव सम अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग आउट ऑफ द माउथ, दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो इट इज अ वेरी सीवियर कंडीशन एक्चुअली में देखा जाता हूँ। अगर जिसको ट्यूबरक्लोसिस होता है देन ये सारे सिम्टम्स आपको कॉमनली देखने के आपको मिल जाते हैं। जनरल रूल आपका ये कहता है कि अगर आपको खांसी आ रही है, जनरली अगर आपको खांसी आती है कोल्ड एंड कफ के टाइम पे, तो वो एक दो हफ्ते तक रहेगी फिर चली जाएगी। अगर आपकी खांसी काफी लंबे टाइम तक रहती है, राइट, और उसके साथ अगर आपको फीवर भी आपको दिख रहा है, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यू शुड एक्चुअली एज सून एज पॉसिबल शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ताकि डॉक्टर आपकी मदद कर पाएगा वहां पे इस ट्रीटमेंट को चालू करने के लिए। क्योंकि अगर किसी को खांसी रहती है काफी लंबे टाइम के लिए, 5-5 हफ्ते हो गए खांसी जा नहीं रही, then one should consult a doctor because that might possibly be a tuberculosis. अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज की डेट में तो काफी एडवांसमेंट है, अब इसका ट्रीटमेंट भी काफी इजीली अवेलेबल है, कुछ साल पहले अवेलेबल नहीं था लेकिन अवेलेबल है, सो पीपल आर गेटिंग ट्रीटेड ओवर हियर, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है ना, क्योंकि ये मेरी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मेरा यहाँ पे हो रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट भी मेरा होता है यूजिंग द एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे आपका जो ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा, the treatment which will be happening over here will be happening because of the antibiotics. So yahan pe hum use karenge hamare yahan pe antibiotics. So antibiotics aap yahan pe use karte ho for the treatment ke liye as a doctor. Yahan pe interesting baat yahan pe ye hai ki yahan ka jo treatment rahega aapka tuberculosis ko treat karne ka jo aapka duration aapka rahega yahan pe, that will last for 6 to 9 months. ye duration aapka yahan pe rehta hai for my 6 to 9 months ka. अगर मैं कह रहा हूँ कि 6 से 9 महीने के लिए आपका यहाँ पे आप ट्रीटमेंट आपका चलता है, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इट्स नॉट समथिंग जो आपका लाइक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, एक दो हफ्ते के लिए, या आपके काफी लंबे टाइम के लिए आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे चलेगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है, अब ये बात ध्यान से सुनना, अगर आपको डॉक्टर ने 6 महीने का आपको ट्रीटमेंट दिया, मेडिसिन आपको दी, अगर आप बीच में मेडिसिन लेना बंद कर देते हो, देन पॉसिबली हो सकता है कि जितने भी बैक्टीरिया अंदर थे ना, जो जिंदा है थोड़े बहुत, वो हो जाएंगे रेजिस्टेंट टू द दवाइयां, दे माइट बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। अगर आपने समझो 4 दिन के लिए आपने दवाइयां नहीं ली, तो हो सकता है पॉसिबली कि आपके बैक्टीरिया माइट बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। और अगर ऐसा होता है
देन उसके बाद उन्हें मारना और मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बन गए एंटीबायोटिक को लेके, देन यू माइट हैव टू टेक मच मोर हाई डोज ऑफ मेडिसिन। आपको बहुत हाई डोज आपको लेना पड़ता है मेडिसिन का, और वो टाइम पे यू विल गेट टू फाइंड द ट्रीटमेंट कैन बी डन वरुण बाद में। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो आपका ट्रीटमेंट आपका काफी लंबा चलता है, एंड यू हैव टू एंश्योर दैट कि आप बीच में इसे मिस आउट ना करो, यू डोंट मिस आउट ऑन द मेडिसिन। अगर आप मिस करते हो देन उन्हें खत्म करना और मुश्किल हो जाता है आपके लिए। यू हैव टू टेक अ मच मोर हाई डोज ऑफ मेडिसिन सो दैट यू कैन किल दैट। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। बल्कि जब आप डोजेस लेते हो ना मेडिसिन के, तो इतना हैवी डोज वैसे ही डॉक्टर आपको देगा दैट इवन द यूरिन कलर इज गोइंग टू चेंज टू रेड। इवन द यूरिन कलर इज गोइंग टू चेंज टू रेड बिकॉज जब भी आप कोई एंटीबायोटिक लेते हो तो उसका बाय प्रोडक्ट आपके यूरिन के थ्रू आपका बायपास होता है। सो इन द यूरिन कलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल बिकम कंप्लीट रेड इन कलर। सो दैट एक्चुअली हैपेंस व्हेन पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग एंटीबायोटिक्स फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब पहले तो आप इतनी चीज यहाँ पे आ रहे हो, दीज आर द फ्यू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, दीज आर द सिम्टम्स यू हैव टू नो, और ये सब चीजों का आप यहाँ पे ध्यान रखते हो। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट व्हेन गो फॉर द ट्रीटमेंट। एक बार फिर बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि अगेन पीपल सफरिंग विद एचआईवी उनके अंदर ये होने के चांसेस थोड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बल्कि देखा गया है पीपल सफरिंग विद एचआईवी गेट्स ट्यूबरक्लोसिस एंड देन दे डाई। इट्स अ फेटल कंडीशन, अगर इसको ट्रीट नहीं करते तो इट्स अ फेटल कंडीशन। अब ट्यूबरक्लोसिस अगर हो रहा है किसी को नॉर्मल पर्सन को तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, इवन आप करा सकते हो फॉर द पीपल सफरिंग विद एचआईवी, बट उसका रिस्पांस इतना स्ट्रांग नहीं आता। सो यू फाइंड पीपल एक्चुअली एंडिंग अप डाइंग बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो इतनी बात पहले आपको याद रखनी है। पहले याद रखना कि यहाँ पे क्या क्या चीजें अफेक्ट हो रही है और सिम्टम्स आप यहाँ पे क्या क्या है। ओके, एंड हु इज इन्वॉल्व, दिस इज माई मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज बीन इन्वॉल्व ओवर हियर। पहले हम यहाँ पे ये चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इसमें आपको क्या दिखेगा, ये है आपका यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम जो आपका कॉज करे ट्यूबरक्लोसिस। ये आपका लंग्स और प्लूरे को यहाँ पे आपका इन्फेक्ट करता है। फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसकी वजह से आपका गैशियस एक्सचेंज आपका यहाँ पे नहीं हो पाता। यू डोंट फाइंड एनी गैशियस एक्सचेंज हैपनिंग ओवर हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ अलॉन्ग विद दैट द सिम्टम्स आर गोइंग टू बी फटीग, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट, कफ एंड चेस्ट पेन। ये आपके काफी कॉमन सिम्टम आपको मिल जाते देखने के लिए। वेट लॉस तो बहुत ही कॉमन होता है, यू गेट टू सी पीपल सफरिंग विद ट्यूबरक्लोसिस, सो दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी 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 क्लियर। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या ये टॉपिक आपको यहाँ पे, इज दिस डिजीज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या इतना पोर्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. आई होप आपको ये भी समझ आ रहा है। हाँ जी, ये भी समझ आ रहा है कि अगर आप डिजीज, अगर आप ट्रीटमेंट के बीच में अगर आप दवाई नहीं ले रहे तो क्या हो रहा है वहाँ पे, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर दवाई आप पीछे नहीं लेते देन दे बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक सोल्यूशन, एंड दैट इज व्हेन यू हैव टू गो फॉर अ हायर डोज एंड इट बिकम सुपर डिफिकल्ट। तो जनरली आपका होगा क्या, द डॉक्टर इज गोइंग टू टेक द एक्सरे, अगर लग रहा है कि उसे ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका एक्सरे लिया जाता है पेशेंट का, एंड ट्रीटमेंट के बाद ही विल टेक द एक्सरे जस्ट टू सी व्हाट इज द डिफरेंस यू कैन सी इन द लंग्स। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ठीक है, बताइए वरुण क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये लंग्स के अलावा सब पूरी बॉडी में भी हो सकता है? नहीं, लंग्स और प्लूरे में होता है, बट कुछ इसके लेटेंट स्टेज होते हैं जो बाकी के बॉडी पार्ट में भी जा सकते हैं, वो हम नहीं समझेंगे यहाँ पे, उस लेवल पे तुम्हें सिखाने की कोई मतलब नहीं बनता। बट येस मेनली दे गोइंग टू अफेक्ट द लंग्स, बट लेटर स्टेज के अंदर लेटेंट पार्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कैन ऑल्सो अफेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट एज वेल, बट तुम्हें सिर्फ लंग्स तक ही याद रखना है। आप लोगों को सिर्फ लंग्स एंड प्लूरे तक ही यहाँ पे याद रखना है, बट येस दैट इज पॉसिबल। थैंक यू सर। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज कॉमन कोल्ड। नॉर्मल सर्दी खांसी वो आ चुकी है हमारे सामने। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ हैंड रेस करके, नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए आप लोग क्या ट्रीटमेंट करते हो बताइए। वरुण हमेशा रेडी रहता है, बताइए किशोर क्या होगा था आपका ट्रीटमेंट नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए? सर मेडिसिन ले। अरे कौन सी मेडिसिन बाबा, डॉक्टर साहब मेडिसिन बताइए। पीसीएम। अरे पैरासिटामोल। पैरासिटामोल। अरे एक बात बताओ ये पैरासिटामोल तुम क्यों लेते हो सर? एंटीबायोटिक्स तो जरूरत नहीं होती इसके अंदर, बढ़ा सिरप ले सकते हो आप, अपना सिरप ले सकते हो अपने गले को स्मूथ रखने के लिए ताकि आप क्लास में आंसर कर पाओ। ठीक है, और लाइट समृद्धि ठाकुर आप क्या करते हो? स्टीम लेते हैं। हाँ ये एक अच्छा ऑप्शन है, स्टीम लेते हैं आप। ठीक है, हिम्मत सिंह आप?
मेडिसिन मेडिसिन जो भी फ्रेंड सजेस्ट करें। मेडिसिन में कोई स्पेसिफिक मेडिसिन बता सकते हो आप? सिट्राजिन सर, एमोक्सिलिन, अरे रे रे तो पीसीएम हर जगह पीसीएम प्रेसिडोल, हर चीज के लिए प्रेसिडोल या सिट्राजिन, ये सब लेने की वैसे जरूरत होती नहीं है वैसे इतनी, लेकिन तब भी आप लोग लेते हो। और कोई बाकी क्या? नहीं सब क्या? अभिषेक बोलिए, आप क्या सजेस्ट करोगे? सर काढ़ा और रेस्ट। अच्छा रेस्ट, रेस्ट कर लो, लेक्चर तो चलते रहेंगे, सो यू टेक सर। पर फीवर के लिए तो काढ़ा यूज करते ही नहीं है। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है समझ गया मैं। सो दीज आर द थिंग्स यू डू फॉर कोल्ड एंड कफ, बट जनरली आज ना कोल्ड एंड कफ के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है वैसे देखा जाए तो। लाइक वो वायरस का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो वायरस आपके बॉडी में आ चुका है कोल्ड एंड कफ के दौरान उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ आप उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हो बाय यूजिंग पैरासिटामोल, फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, सिरप आपका स्मूथ कर सकता है, इट कैन गिव यू सम काइंड ऑफ लाइक रिलीफ फ्रॉम द कंजेशन इन द थ्रोट, दैट कैन बी डन, बट उसके अलावा यू डोंट एक्चुअली लाइक टारगेट द वायरस ओवर देयर। सो याद रखना कोल्ड एंड कफ की जब हम बात करते हैं सबसे पहली बात याद रखना दैट इट अफेक्ट्स द ओनली द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या आपका सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे यह होता है कि आपके लंग्स यहाँ पे अफेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, तो लंग्स को यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं होता ड्यूरिंग द कोल्ड एंड कफ। सेकेंड चीज याद रखना कि ये कोल्ड एंड कफ करने वाला जो आपका वायरस यहाँ पे होगा उसका नाम यहाँ होता है, उस स्ट्रेन का नाम यहाँ पे आपका होता है राइनो वायरस, राइनो वायरस। अब राइनो वायरस सिर्फ एक टाइप के नहीं होते बेटा, इसके आपको मिलते हैं मोर देन 100 स्ट्रेन, यू विल फाइंड मोर देन 100 स्ट्रेन, यू विल हैव मोर देन 100 टाइप्स ऑफ राइनो वायरस आर सीन। स्ट्रेन जगह मैं अलग नाम लिखूंगा यहाँ पे, 100 टाइप्स लिखता हूँ, 100 टाइप्स ऑफ राइनो वायरस आर बीन सीन। अब एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, अब ये बड़ी समझने वाली बात है, अब ये बात ध्यान से सुनना। सी अगर आपको कोई बचपन में टाइफाइड हुआ था, या अगर आपको कोई बचपन में मलेरिया हुआ था, या अगर आपको किसी को बचपन में ट्यूबरक्लोसिस अगर हुआ था, वो डिजीज आपको वापस नहीं होती। एक बार वो बीमारी आपको हो गई, वो बीमारी आपको वापस नहीं होती, क्योंकि इन बीमारी को कॉज करने के लिए आपका एक बैक्टीरिया आपका इन्वॉल्व होता है, एक बैक्टीरिया एक पैथोजन आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो अज्यूम करते कि अगर मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ राइट, तो जब मैं ठीक हो जाऊंगा उसके बाद अगर वो सेम बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर आया तो मेरा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि वो जानता है ये पहले भी रह चुका है हमारे साथ, इसको कैसे मारना उन्हें मालूम होता है। तो मेरे जो मेमोरी सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, वो उसे पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, दे कम फॉरवर्ड एंड दे स्टार्ट किलिंग द बैक्टीरिया क्विकली, वो फटाफट आके उस बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। सो विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स वो बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। तो अगर मुझे एक बार ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो मुझे वापस वो नहीं होगा। सेम चीज मैं कह सकता हूँ मेरे टाइफाइड के लिए, अगर मुझे मेरे बॉडी में एक बार वो बैक्टीरिया रह चुका है सेल्मोनेला टाइफी, तो वापस अगर मेरे बॉडी में आया पानीपुरी के साथ, तो मेरा इम्यून सिस्टम रेडी रहेगा, फटाफट आएगा, बोलेगा कि इनसे इससे तो हम पहले भी निपट चुके हैं, इट विल कम ओवर देयर एंड विल किल द बैक्टीरिया क्विकली। तो इसलिए आपको कई बार एक बीमारी एक ही बार होती है, वापस नहीं होती। बट राइनो वायरस जो आपको कोल्ड एंड कफ कॉज करता है, ये आपको साल में 4 बार होगा। दिस विल हैपन टू यू मोर देन 2 to 4 times a year, राइट? तो कोल्ड एंड कफ जो आपका कॉज कर रहा है आपके यहाँ पे राइनो वायरस, ये आपको आपका हो रहा है 3 to 4 बार साल में। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर टाइम जब आपके बॉडी में कोई आ रहा है वायरस, तो नया वायरस है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि राइनो वायरस के मोर देन 100 टाइप्स, तो अगर आपको जनवरी में अगर आपके बॉडी के अंदर कोई आपका राइनो वायरस आ रहा है तो कोई और है, और जो दिसंबर में आ रहा है वो कोई और है, राइट? तो इसलिए याद रखना कि राइनो वायरस जब भी आपकी बॉडी में आता है तो कोई ना कोई नया वायरस आपके बॉडी में आ रहा होता है कोल्ड एंड कफ करने वाला, इसलिए आपका इम्यून सिस्टम उसे खत्म नहीं कर पाता एकदम से। उसके लिए तो नया होता है ना, उसके लिए तो वापस कोई आया कि अरे ये तो कोई नया है, राइट? सो दैट इज वाई इम्यून सिस्टम इज नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ वायरस, इज नॉट यूज टू दैट स्ट्रेन। तो इसलिए आपको कोल्ड एंड कफ बार बार होता है थ्रू आउट द लाइफ। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में होता है तो उसको आपका इम्यून सिस्टम संभाल लेता है, आपका इम्यून सिस्टम उसे याद कर लेगा, विल कम फॉरवर्ड एंड विल गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। बट सेम चीज कोल्ड एंड कफ के साथ नहीं होती, एंड प्लीज अंडरस्टैंड वो क्यों नहीं होता, बिकॉज यू हैव सो मेनी स्ट्रेन्स। अब देखो आपके पास मोर देन 100 स्ट्रेन्स है, हमेशा कोई ना कोई नया होता है आपके बॉडी के अंदर, एंड दैट इज वाई आपको हमेशा ये कंडीशन आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है। अब क्योंकि आपका ज्यादा डैमेज कर नहीं रहा, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, 6 दिन तक रहेगा आपका कोल्ड एंड कफ, फिर आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। You have a group of viruses known as the rhinoviruses.
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड, राइट। सिम्टम्स क्या रहेंगे आपके यहाँ पे, स्नीजिंग, एक्सेसिव नेजल सिक्रीशन एंड ड्राई कफ, ये आपके कॉमन सिम्टम्स आपके यहाँ पे रह जाते हैं। छींक आ रही है, नेजल पैसेज आपका यहाँ पे बह रहा है, ड्राई कफ है आपको यहाँ पे, ये सारे आपके कॉमन सिम्टम्स आपके यहाँ पे रहते हैं। फीवर ओकेजनली आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिसके लिए आप लोग पीसीएम लेते हो, जिसके लिए आप लोग पीसीएम अपने पास आपने रखी हुई आप लेते हो। दैट हैपेंस ड्यूरिंग द, दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग द फीवर वाला कंडीशन के अंदर, राइट। तो ये बात याद रखना कि कॉमन कोल्ड कभी भी आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, इट इज नेवर गोइंग टू अफेक्ट द लंग्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। सेकंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये आपको बार बार इसलिए होता है बिकॉज यू हैव मोर देन 100 स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस थ्रूआउट द प्लैनेट, एंड दैट इज व्हाई यू विल ऑलवेज हैव कॉमन कोल्ड एंड कॉमन कोल्ड ऑल द टाइम थ्रूआउट द ईयर। तो आपको हमेशा कोई ना कोई नया वायरस आपका वहां पे आके कॉज करेगा, ठीक है। तो क्या ये वाली कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या बेटा कौन सा वाला पार्ट, पूरा रिपीट बोलो बेटा कौन सा वाला पार्ट? सर इससे पिछली वाली स्लाइड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये इन्फेक्शन आपका होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ठीक है। ये कॉज करता है आपका एक वायरस जिसका नाम होता है आपका राइनो वायरस, एक ग्रुप ऑफ वायरस है राइनो वायरस, और ये वायरस के जो स्ट्रेन होते हैं दे आर लाइक मोर देन 100 स्ट्रेन आपको मिलेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। बस इतना ही हमने यहाँ पे बात किया था, और जब ये आपके बॉडी के अंदर आता है देन इट्स गोइंग टू कॉज यू द, ये सारे सिम्टम्स आपको बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। और क्योंकि हमेशा आपके बॉडी में कोई नया स्ट्रेन आ रहा होता है, दैट इज वाई यू विल फाइंड यू हैव ऑलवेज हैव अ सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई नया वायरस आपके बॉडी में आ रहा है। और इसको मारने के लिए आप कोई लाइक पर्टिकुलर मेडिसिन की इस्तेमाल नहीं करते, यू ओनली कंट्रोल द सिम्टम्स, आप सिर्फ अपने सिम्टम्स को आप यहाँ पे कंट्रोल करते हो। हेडेक हो गया, नेजल सिक्रीशन हो गया, सर दर्द हो गया, लाइक फीवर हो गया, यू जस्ट ट्राई टू कंट्रोल देम, यू डोंट एक्चुअली टारगेट द वायरस, वायरस आता है रहता है चला जाता है, ठीक है। बताइए वरुण क्या सवाल है आपका, बोलिए। नहीं है बेटा बैक्टीरिया इन्वॉल्व यहाँ पे, कहाँ लिखा मैंने बैक्टीरिया बेटा, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है MBACTERIA, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर साहब से वायरस इतना याद रखना आपको, नीट 2025 के लिए, ठीक है, राइट। उसके बाद then after that you can study all the strains separately, once you are in the college na then you can do everything, but now please remember the information which is given to you, theek hai। to yahan pe aapke sare disorders yahan pe khatam hote hain, so you are done with the common cold, pneumonia and tuberculosis aaj humne yahan pe cover khatam kiya hai। in tino mein se aap mujhe bataiye kaun si condition thi jisme hum keh sakte ki ye hoti hai immuno compromised individual ke andar, bataiye kaun si condition mein padi thi aaj? अब आप इसका आंसर यहाँ पे मुझे बता सकते हो, द केस ओवर हियर, कहाँ गया हमारा केस, दिस केस। अब बताओ इसका आंसर क्या गया यहाँ पे, सब लोग बता दो ऐसे ही अनम्यूट करके। ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। अब आप मुझे बताइए, कौन बताएगा मुझे, अभिषेक आप बताइए क्या करेंगे आप इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे, क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, बोलिए। बड़ा पेशेंट दरवाजे में खड़ा है, बताइए क्या करोगे आप इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट, बोलिए। अभिषेक वापस भेज देगा, बताइए महक आप बताइए क्या होगा ट्रीटमेंट यहाँ पे, बोलिए। सर एंटीबॉडीज देंगे, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबॉडीज अलग चीज हो जाती है, सो यस यू विल गिव द एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल सही, सो यू विल गिव देम द एंटीबायोटिक्स, ये आप दे सकते हो ताकि आप बैक्टीरिया को वहां पे आप खत्म कर सको, तो ये चीज आप यहाँ पे की जाएगी, बिल्कुल सही बात है, सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। चलिए ये सब हमने यहाँ पे देख लिया, नाउ लेट्स डू वन थिंग, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लगाते हैं, लेट्स सी अगर आपसे वो क्वेश्चन हो पाते हैं नहीं हो पाते, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो क्वेश्चन है हमारे कहाँ, क्वेश्चन हमारे पास है बहुत सारे यहाँ पे। सो हमने कल कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए थे, वी हैव डन सम क्वेश्चंस ओवर हियर, ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ये वाला क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पे बता सकते हो मुझे, क्वेश्चन नंबर 86, ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल लिबरेट्स ऑक्सीजन टू द सेल्स बिकॉज इन द टिश्यूज। ध्यान से पढ़िए, रीड द क्वेश्चन थरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिविंग द करेक्ट आंसर, हैंड रेज करके पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से। लेट्स क्विकली ट्राई टू डू एटलीस्ट लाइक 10 क्वेश्चंस फटाफट, ताकि 10 क्वेश्चन हम लोग करें उसमें से 9 क्वेश्चन तो हमारे PYQ हो। चलिए फटाफट करते हैं, लेट्स ब्रिंग दिस रैपिडली। बताइए पुनीत क्या होगा इसका आंसर? 4।
पुनीत यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे, ठीक है। हिम्मत सिंह आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन फोर। ऑल राइट, अपूर्व आपको क्या लग रहा है? सर फोर्थ। राइट, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इन लोगों ने पूछा आपसे ये है यहाँ पे कि ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ग्लोबिन एट टिश्यू लेवल लिबरेट्स ऑक्सीजन, टिश्यू लेवल पे आने के बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है टू द सेल्स बिकॉज इन टिश्यूज, क्योंकि टिश्यूज में क्या होता है तो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का लेवल आपका रहेगा कम। कितना लेवल होता है टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का, क्या वैल्यू होती है? 40 mmHg, 40 mmHg. और CO2 खुद से पढ़ो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस, लेट्स सी सबसे पहले से कौन सॉल्व करता है सही से। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा देन बोल देना कि सर क्वेश्चन समझा दो, बट ट्राई करो खुद से एक बार। पुनीत हैज डन दिस, बताइए पुनीत क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ए। चलिए बाकी लोगों का भी आंसर देखते हैं, आपका आंसर हमने सुन लिया यहाँ पे। अपूर्व आपको क्या लग रहा है? सो ए। वरुण आपको क्या लग रहा है? ए। वरुण एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो फिर आंसर को एक्सप्लेन करो जल्दी से। सर टेम्परेचर सर हमारा, और सर टेम्परेचर भी सर हमारा सर बराबर होगा, और सर कार्बन डी भी सर बराबर होगा, सर ऑक्सीजन कम होगा सर, तो उससे क्या होगा, उससे होता क्या, उससे क्या फायदा, उससे क्या होगा सर? जो एचबी की सर एफिनिटी होगी सर O2 सर वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप कह रहे हो कि अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, आपका CO2 लेवल अगर आपका ज्यादा होगा तो आप कह रहे हो कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी यहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हाँ जी राइट, यहाँ पे आपकी एफिनिटी जो यहाँ पे आपकी होती है यहाँ पे वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे आपकी डिक्रीज, और अगर आपकी यहाँ पे एफिनिटी डिक्रीज हो रही है तो डिसोसिएशन होने में आपकी ज्यादा आसानी से होगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही आप लोगों का यहाँ पे आंसर सही था। सो क्वेश्चन यहाँ पे था, चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन इन द टिश्यू दैट वुड इन्फ्लुएंस मोस्ट रैपिड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सबसे रैपिडली किस कंडीशन के अंदर, इन चारों में से किस कंडीशन के अंदर आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएट होगा रैपिडली। तो आप देख सकते हैं, आपको पहले ही आपको ये स्टोरी मालूम है दैट यू नो इन द व्हेन यू हैव अ हाई टेम्परेचर, व्हेन यू हैव अ हाई CO2 लेवल एंड व्हेन यू हैव अ लो पीएच, इस कंडीशन के अंदर आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन काफी रैपिडली आपका हो जाता है, और वही चीज आपके यहाँ पे हो रही है। और जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके यहाँ पे दिख रहा है दैट इज माई ऑप्शन ए। यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर आपके यहाँ पे जो बार है उसका सबसे ज्यादा है, CO2 का बार आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा है, So, इस टाइम पे आपका डिसोसिएशन काफी सही तरीके से होगा। सो दैट्स अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यस, अगर आप सुन मेरे फरुण, अगर आप ये सब कर पा रहे हो क्वेश्चन देन दैट मींस यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, देन दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, बोलो अरुण क्या चाहिए बेटा आपको, बताइए। सुनिए सर, मैं कह रहा था HN HN बढ़ेंगे। हां हां ठीक है, ओके यस, H प्लस N कांस्टेंट यहां पे बढ़ता है। ऑल राइट, दिस वन लेफ्ट साइड में आपका कर्व कब शिफ्ट करेगा, इन विच कंडीशन यू विल फाइंड अ कर्व शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सब लोग सोचिए यहाँ पर, उससे आंसर करिए, हम ये सब पढ़ चुके हैं, वी हैव डन ऑल दोस थिंग्स, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन थोरली एंड टेल मी कौन सी कंडीशन के अंदर आपका कर्व शिफ्ट करता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कनिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। वापस बोलना, 1 2 3 4 बोलो बेटा, 1 2 3 4, एबीसीडी समझ नहीं आता मुझे, बोलो। सेकंड ऑप्शन सर, सेकंड। हाँ तो सेकंड ही तो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा ना सेकंड। हाँ ठीक है, बाकी पीयूष आपको क्या लग रहा है? सर सेकंड। अभिनव आपको क्या लग रहा है? अभिनव आपको क्या लग रहा है? अभिनव इज लाइक ये मेरे ऊपर कैसे आ गया। ऑलराइट, बस इतने लोग, बस दैट्स इट। किशोर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड। किशोर एक्सप्लेन कर दो, किशोर मुझे बता दो कौन सी कंडीशन के अंदर आपका कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है? जब सर लो टेंपरेचर और हाई पीएच। और एक और चीज बताओ, लो टेंपरेचर
हाई पीएच। हाँ और किशोर लो सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन इन कंडीशन के अंदर, मेरी बात सुनो, इन कंडीशन के अंदर रिफाइन अ कर्व विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे बताओ यहाँ पे किशोर कि अगर मेरा कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा है तो क्या मेरी पी 50 की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? यस सर चेंज होगी सर। तो मुझे ये बताओ कि पी 50 की वैल्यू मेरी यहाँ पे बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी। बिल्कुल सी बात है, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज ओवर हियर, राइट? यस दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो बिल्कुल सी बेटा, आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है, बहुत बढ़िया। चलो देन, अब ये आ गया आपका क्वेश्चन, देयर इज समथिंग आल्सो वी हैव डन, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ओनली। बताइए हैंड रेज करके क्या होगा इसका आंसर, इसका भी आंसर आप दे सकते हो। समृति ठाकुर बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप कह रहे हो, अक्षर आपको क्या लग रहा है? सर बी। ऑलराइट, हर्षिता आप बता सकते हो? सर बी। हर्षिता आप बता सकते हो मिडिल ऑफ लॉन्गेटा के अंदर कौन से वो दो रीजंस थे जिनके बारे में मैंने बात किया था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपका आंसर सही है। पूरा आप बता दो कौन से दो रीजंस थे आपके मिडिल ऑफ लॉन्गेटा के अंदर, दो रीजंस। सर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेरी गुड, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वर द टू रीजंस इन द मिडिल ऑफ लॉन्गेटा एंड दे वर बोथ इन्वॉल्वड इन माय इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही, सो ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर, राइट? यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी थोरली, राइट? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो एंड ट्राई टू सी व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑप्शन ओवर हियर। वीजिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। वीजिंग मतलब जब आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो तब आपका ऐसे आवाज आ रही है जिससे आप विसल कर रहे हो। जब आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो तो ऐसी आवाज निकलती है कि आप विसल कर रहे हो, दैट्स वीजिंग, राइट? बट वो तो ठीक है, आप आगे वाले टर्म्स को आप यहाँ पे देखिए, रीड द ऑल द स्टेटमेंट्स थरली एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। मैं आपके यहाँ पे एक हेल्प करना चाहूंगा। बेनिंग ग्रोथ का मतलब यहाँ पे होता है ट्यूमर फॉर्मेशन। बेनिंग का मतलब यहाँ पे आपका होगा, बेनिंग ग्रोथ का यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन। अब क्योंकि आप 12th में पढ़ते हो इसलिए आपको ये टर्म से आप वाकिफ नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे बता दिया, इट मींस ट्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है? इट मींस योर ट्यूमर फॉर्मेशन, राइट? अब ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे इस चीज को एंड देन ट्राई टू टेल मी द करेक्ट आंसर ओवर देयर। जस्ट रीड द स्टेटमेंट थरली एंड लुक फॉर द मोस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर इन दिस। सबसे अप्रोप्रिएट आपका यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है आप मुझे देखिए बताइएगा। हिम्मत सिंह क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? आपने आई थिंक हैंड रेज कर दिया है, बताइए। सर ऑप्शन सी। हिम्मत सिंह को यहाँ पे ऑप्शन सी लग रहा है, ओके। अपूर्व आपको क्या लग रहा है? सो ऑप्शन सी। ओके सो ऑप्शन, हां हां सुना मैंने बेटा, सुना सुना सुना। एनीवन एल्स? बाकी लोग बेटा, बाकी लोग, कनिका, हर्षिता, वी हैव आयुषी, वी हैव रक्षा, बेटा आप लोग भी बताइए बेटा क्या हो सकता है इसका आंसर। आकृति, अंशिका, अंशिका बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द एयर बॉर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉजेस वीजिंग ड्यू टू। तो जब भी आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा जो सबसे कॉमन चीज आपको वहां पे दिखती है होते हुए, दैट इज गोइंग टू बी द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर ब्रोंका एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक है? ये एलर्जन की वजह से भी हो सकता है एंड इवन विद द पोल्यूटेंट्स की वजह से भी आपका हो सकता है, जो हमने देखा था इन द ब्रोंकाइटिस के अंदर, ठीक है? तो ये याद रखना, दैट इज गोइंग टू बी अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब बाकी मैंने आंसर यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है वो भी हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या है? रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय निमोसाइट्स। निमोसाइट्स मतलब आपके एल्वियोलाई, दे आर माय एल्वियोलाई। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका रिडक्शन हो जाता है इन द सिक्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट, ये बात आपके यहाँ पे गलत है, दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? देन यू हैव बेनिंग वाली बात मैंने आपको बता दी थी कि आपका ट्यूमर फॉर्मेशन आपका नहीं होता इस तरीके से, सो दैट्स गोइंग नॉट गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देन स्टेटमेंट डी आपका यहाँ पे आएगा, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज टू द एलुलर वॉल, नहीं, फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं होता। आपके पोल्यूशन की वजह से आपका फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन आपका नहीं होता, वो तो सिर्फ आपका इधर आप माइनिंग इंडस्ट्री में काम करो तब होता है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तब होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 40, सब लोग देखेंगे इसे ध्यान से एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा। नए बच्चे भी आंसर करिए बेटा, नए बच्चे, कितने सारे बच्चे हमारे पास। अनुराधा आप भी ट्राई करो,
सचिन शारदा अभी ट्राई करो, महक यू आल्सो कैन ट्राई दिस, शशि सिया, हु एल्स वी हैव, या वी हैव सो मेनी पीपल, हैव अ लुक, ट्राई टू आंसर दिस, कृतिका आप भी देखिए, क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल सॉल्व हो सकता है. Which of the following option correctly represent the lung condition in asthma and emphysema? कौन सी condition सबसे बढ़िया तरीके से आपको बता रहा है क्या हो रहा है आपके अस्थमा के अंदर और क्या हो रहा है आपके एम्फिसिमा के अंदर? So tell us क्या होगा इसका आंसर. All right, I'm just waiting some new names should turn up. बताइए अक्षरा क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Sir D. अस्थमा एंड एम्फिसिमा और आपका आंसर ठीक है आपने बोला यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ठीक है. वरुण आपको क्या लग रहा है? सर ए ए फॉर है सर ए वन ए फॉर क्या हाँ देन अंशिका आपको क्या लग रहा है? अंशिका का आंसर नहीं आ रहा. किशोर आपको क्या लग रहा है? सर ए और डी दोनों एओडी दोनों लग रहे हैं. क्लास के बाहर जाने के लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा? अबुरु आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? दोनों लग रहे हैं इनको तो. बोलो. ऑलराइट आई जस्ट वन मोर आंसर नाउ और एक आंसर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे. पीयूष बताइए क्या होगा इसका आंसर? राइट सो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर है याद रखना. सो देखो अस्थमा को इन्होंने पहले लिखा हुआ एंड देन लिखा हुआ इन्होंने एम्फिसिमा तो आपको उस तरीके से देखना है यहाँ पे आपका. तो पहले मेरा अस्थमा है सो दैट मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोस इज अ मच मोर एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर अस्थमा एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस. जो हम पढ़ते हैं ना हम लोग कि आपके एलवी के अंदर आपका सरफेस एरिया आपके रिड्यूस हो जाता है वही यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है. सो ये दो इवेंट्स आपके हो रहे होते हैं. सो इट्स अस्थमा एंड एम्फिसिमा. तो अस्थमा के लिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे आएगा फॉर द अस्थमा एंड द सेकंड वन इज फॉर माय एम्फिसिमा. सो दैट इज वाई ऑप्शन ए मेरा बनेगा एज अ करेक्ट आंसर. राइट डी नहीं होगा क्योंकि पहले अस्थमा है फिर एम्फिसेमा है. अगर एम्फिसेमा और अस्थमा लिखा होता तो फिर आप डी बोलते हैं यहाँ पे. ठीक है सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर नाउ. और किशोर ने क्या बोला था? दोनों ना किशोर बेटा आपके माइनस 25 तो ये हम हमारा हिसाब कर लेंगे आपके संडे वाले टेस्ट में से. ठीक है सो विल कट दिस अमाउंट फ्रॉम योर. क्या 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 कह रहा है किशोर? कितने नहीं आएंगे? ठीक है 47 जल्दी आंसर बताओ 47 का सिंपल क्वेश्चन है आपके यहाँ पे. व्हेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस आपकी ब्रीदिंग कैसे चेंज हो जाती है? अगर CO2 का लेवल अगर आपके ब्लड के अंदर बढ़ता है तो कैसे आपके यहाँ पे ब्रीदिंग के ऊपर आपके यहाँ पे अफेक्ट होगा? बताइए बेटा बताइए जल्दी सब लोग आंसर कर सकते हो आप लोग. चलो समृद्धि ठाकुर बताइए क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सी आंसर है बेटा आपका. यहाँ पे योर ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर एंड डीपर. अगर आपके ब्लड के CO2 लेवल बढ़ता है तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट होती है और ज्यादा डीपर होती है ताकि आप ज्यादा इनहेल कर सको अपने एयर को. राइट 41 का आंसर सब लोग हैंड रेस्ट करके बता सकते हो. सिंपल क्वेश्चन है जल्दी से हैंड रेस्ट करिए आंसर बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? आकृति क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. अंजू आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. राइट बिल्कुल ये आपका यहाँ पे आंसर सही है. सो ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर. सिलिकोसिस इज अ करेक्ट आंसर. सिलिकोसिस के अलावा यहाँ पे एस्बेस्टोसिस वो भी आपका एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपका यहाँ पे हो जाता है. वेरी गुड. देन ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ खुद से पढ़िए मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा. एंड देन इसको आप आंसर इसका आप बताइए यहाँ पे. एंड सब लोग इन्वॉल्व होइए. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन ट्राई टू आंसर दिस. देखो यहाँ पे ध्यान से. आकृति आप ट्राई करना चाहोगे इसका क्या हो सकता है? नहीं करना चाहोगे? ओके अंबिका आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी कह रहे हो. अश्वानी आपको क्या लग रहा है? सर डी डी डी. ठीक है हाँ हाँ सुन लिया. और वरुण आपको क्या लग रहा है? सर फोर्थ. और लाइक वरुण ओके आपके जो मास सेल होते हैं कोई मुझे बताएगा ये मास सेल क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामाइन सेरोटोनिन.
ये भी आप कर सकते हो, ये भी ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। अगेन नीट का क्वेश्चन 2015 का, रीड द क्वेश्चन थरली एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। सो चलिए ध्यान से इसको आंसर करिएगा बेटा। बाकी लोग, बेटा बाकी लोग जैसे अपने आकाश है, आकृति है, अल्पना कुमारी, आप लोग भी ट्राई करिए। अनुराधा, अनुराधा क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अनुराधा, नो आंसर इज कमिंग। काजल, आयुषी एंड ऑल द पीपल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा आपका आंसर और क्या ही होगा। चलिए बेटा बताइए कौन इसका आंसर देगा। अंजू बताइए क्या होगा इसका आंसर, बहुत बढ़िया बताइए। सर ऑप्शन 4। ठीक है, देन समृति ठाकुर आपको क्या लग रहा है? सर डी। राइट, एंड लास्ट एक और पर्सन से हम यहाँ पे पूछ लेते हैं, हर्षिता बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। डी। राइट, एम्फिसेमा के अंदर ही आपका यहाँ पे सरफेस एरिया आपके एलवी का यहाँ पे काफी ज्यादा आपका रिड्यूस हो जाता है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो याद रखना ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इससे आपको ये भी आइडिया लग रहा है कि आपके पीवाईक्यू किस तरीके से आएंगे एग्जाम के अंदर, लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इन द एग्जाम। अगर आपसे ये क्वेश्चंस हो पा रहे हैं जनरली, अगर आप खुद से कर पा रहे हो इन क्वेश्चंस को देख के पढ़ के, देन इट्स वेरी अश्योरिंग कि आप एग्जाम में भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे बन पा रहे हैं, सो वी कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ व्हाट, ए बी सी डी, बताइए वरुण क्या होगा इसका आंसर। सर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और अब बताओ वरुण कि आपका हीमोग्लोबिन के अंदर एक सिंगल हीमोग्लोबिन आपके कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है? सर रिपीट करना क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है? सर 4। चलिए अब मुझे कोई बताइए, मुझे एक काम करिए पीयूष आप बताइए, हीमोग्लोबिन जो आपका यहाँ पे होता है, हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ होता है, कौन सी दो चीजें होती है हीमोग्लोबिन के अंदर? प्रोटीन और आयरन। प्रोटीन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबिन। और दूसरा पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हीम। हीम पार्ट, यस। और हीम पार्ट में आपका यहाँ पे आयरन लगा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट हीमोग्लोबिन, इतना आपके लिए इन्फॉर्मेशन याद रखना यहाँ पे इनफ रहता है। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन। तो हमने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, एक 9, 9 plus 1, 10. So these are the number of questions we have solved, and we have also solved this question as well. So this counts on like 12, 13 questions. So हमने इतने question हमारे यहाँ पे solve किए। I am hoping that कि आप लोगों को पहले तो ये वाला concept आपको यहाँ पे सबको clear है, because you will find question based on this. So this is a concept of my oxygen diffusion curve, ये आपको clear होना चाहिए। And along with that, आज हमने हमारे सारे disorder खत्म कर लिए। So जितने भी disorder आपको कराए गए, please उनको एक बार खुद से देखो, पढ़ो, समझो, right, and please solve as many questions as possible from the module jo maine aapke sath share kiya hai, so taki aapko you have a good understanding of the topic, right? Abhi kal hum log jab milenge, so we'll be starting with the respiratory volume and capacities, wo hum chalu karenge, wo hum khatam karenge, to wo hamara next target hoga khatam karna, so possibly kal ke lecture ke baad aapka chapter bhi khatam ho jayega, and then we can start with the new chapter, that is your chapter 18. Theek hai, so yeah, that's it from my end. अगर कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो पूछिए, अगर कोई सवाल या क्वेश्चन नहीं है, अगर सब कुछ समझ आ चुका है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड इन दैट केस मिलते हैं हम लोग वापस से कल सेम टाइम पे, ठीक है? चलो देन, बाय एवरीवन, गुड नाइट इफ यू हैव नो क्वेश्चंस, या बाय। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ऑलराइट, चलो 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 देन, चलो इन केस यू